बिचौलिया और संबंधित पदाधिकारी का साठगांठ में हेमंत सरकार का विकास योजना पर पूर्ण विराम। बरहेट प्रखंड अंतर्गत विकास योजना तथा मनरेगा पर घोटालों की खबर अक्सर सुर्खियों में पाई जाती है। घोटालेबाज का मनोबल सातवें आसमान पर है, क्योंकि बड़ी से बड़ी घोटाले के बाद भी पैसे के बदौलत बचकर लूटपाट की रफ्तार दिन ब दिन तीव्र गति से धंधा फल फूल रहा है। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि अखबारों में प्रकाशित खबरों के उजागर होने के पश्चात और शिकायत के पश्चात भी लुटेरा लाभुक को ठेंगा दिखाकर आगे निकल जाता है और लाभुक की समस्या कागजों में सिमट कर रह जाती है। एक भी पीएम आवास के घोटाले के मामला उजागर होने के बाद गबन करने वाले बिचौलिया के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम क्षेत्र के विकास योजना में सरकार के माथे पर कलंक आसानी से लगता जा रहा है। ये चिंता का ही विषय है कि हेमंत सरकार गरीबों के कल्याण के लिए इतने सारी योजना की राशि देने के बाद भी विकास की पहिया पंचर क्यों? क्या सरकार की राशि ऐसे ही विकास के नाम से विनाश होता रहेगा, या लुटेरों पर शिकंजा नहीं कसने के पीछे किसी बड़ी ताकत का क्षेत्र का साया है? संवाददाता अनिल कुमार, साथ में राजकुमार किशोर। बमना पहाड़िया का पत्नी है तोरी पहाड़ का, इधर आइए। ठीक है, बमना जी नहीं है घर पे, तो इसकी पत्नी से मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। ये आवास का जो पैसा है, आवास का जो राशि है 40,000 और 75,000, ये निकलने के बाद फाइनल जियोटेक करने के लिए मैं पहाड़ आया था। इसका लोकेशन के अनुसार इसका घर पहुँचा। इन लोगों से फाइनल जियोटेक करने के लिए मैं पूछा कि कौन सा घर है फाइनल जियोटेक करना है, तो इन लोगों के अनुसार आप इन्हीं के मुँह से सुन लीजिए इसका जुबानी। कहाँ आपका घर बना है बताइए? बमना का पत्नी है ना? अच्छा, आप लोगों का घर बना? नहीं बना है। तो यहाँ जो दिखा रहा है कि बमना का फोटो खड़ा होकर घर के पीछे, वो पीछे वाला घर किसका है? सूर्या का घर है, और इसको ले जाकर फोटो करवाया है। मतलब यही है कि ये जियोटक भी गलत तरीके से करके वो राशि निकाला गया है, और राशि इन लोगों को पता ही नहीं है। पैसा एको टका मिला है आप लोगों को? नहीं। क्या बोला उन लोग? क्या बोला वो लोग? वो लोग फोटो जब करने गया था तो क्या बोल के लेके गया था? घर बनाएगा। लेकिन अभी तक बना नहीं है तो नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, ये जानकारी आपको मैंने दिया। अच्छा उसका क्या बोला जाता है, ये आपका बमना का पत्नी है, और ये काम आपका जो कर रहा है, जो लेके गया था आपको, क्या नाम है उसका?